जांजगीर के जिला जेल में विचाराधीन बंदी की संदेहास्पद मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। 11 बिंदु में जांच करने की मांग भी की है, जिस पर कलेक्टर ने परिजनों को जांच कराने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने के लिए मृतक के बच्चे भी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। दरअसल जमीन के मामले में धोखाधड़ी के आरोप में चांपा के नितेश वीरानी को 15 मई को जेल दाखिल किया गया था। जेल में उसके अचानक तबियत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने परिजन को कोई जानकारी नहीं दी और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया, लेकिन तबियत में जब सुधार नहीं हुई तो उसे बिलासपुर रेफर किया गया। रास्ते में ही विचाराधीन बंदी नितेश वीरानी की मौत हो गई है। को दो दिन पहले हमको बिना परिजन को सूचना दिए किसी भी जानकारी की कि उसकी तबीयत खराब है या सन्मार्पित की होगी सूचना नहीं दी गई और उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। और शाम को 6:30 बजे के आसपास हमें अज्ञात व्यक्ति से सूचना दी जाती है कि आपका भाई नितेश शायद हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसकी स्थिति बहुत गंभीर है। हम भागते हुए जब वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि वो लगभग मरा हुआ था। मैं आज जो बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई है, हमारे छोटे भाई नितेश वीरानी जो रिमांड में था, उसकी जेल में कुछ घटना हुई है या मारपीट हुई है ऐसे निशानों से लगा है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसकी हमने आज मांग आदरणीय मैडम ऋचा चौधरी से की गई है कि उसकी न्यायिक जांच की जाए और उस परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो अधिकार है वो संपूर्ण रूप से मिले।